हेलो दोस्तों, आज मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, ये है VRF प्लस। ये जो ब्लू स्टार की VRF है लगी हुई है, इसकी ये मेन कार्ड है यानी मदरबोर्ड। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मेन कार्ड, ठीक है। जो यहाँ पे लगी है, ये सारे जैक जुड़े हुए हैं इससे, बोर्ड से। इसको हमें चेंज करना है क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको चेंज करना है और फिर इससे इसका एड्रेसिंग करना है। तो एड्रेसिंग करने के लिए ये सब बटन दिया हुआ है हमारा, ठीक है। इसमें मेनू देखेंगे कहाँ पे क्या सेट है, उसके बाद सेट करेंगे इसमें। ये हमारा VRF है, 12 HP का है, ये रहा मॉडल IVRF V12THN, ठीक है। सिंगल डिस्चार्ज फैन है इसका, ऊपर में ये दिखाई दे रहा होगा आपको, चलिए सही से दिखाता हूँ, ये रहा। और ब्लू स्टार की है इन्वर्टर, और इसी के साथ ये है, ये डबल डिस्चार्ज जो है, इसका भी HP दिखाता हूँ आपको। तो ये है हमारा 28 HP का दूसरा जो है आउटडोर, ये डबल डिस्चार्ज है, दिखा देता हूँ, ये रहा डबल डिस्चार्ज, ये भी इन्वर्टर है। और ये जो नॉन स्टॉप कूलिंग हेड दिखाया है, ये है यानी 56 डिग्री में भी चलेगा नॉन स्टॉप। और गैस के बारे में तो बताया ही था मैं, R410A का और R32 का प्रेशर PSI सेम ही होता है। तो चलिए इसका MCB ऑफ करता हूँ और इसका मदरबोर्ड जो ये है हम चेंज करते हैं, ठीक है। आपको दिखाता हूँ MCV की तरफ से लेके चलता हूँ, कौन सा ये रहा MCV, मैंने ऑफ कर दिया क्योंकि MCV सबसे पहले ऑफ करने के लिए अपना ही सेफ्टी है, इसको ऑफ करके ही करना है हमें VRF का काम, यानी 3 phase का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी लाइट चली गई है, तो इसमें अभी हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें DC करंट होता है, ये DC करंट जाने के बाद ही इसमें काम करेंगे, इसका जैक निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमने इसको खोल दिया और ये देखिए अंदर हमारा कार्ड लगा हुआ है। बोला था ना थोड़ी देर के बाद काम करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए ये लाइट ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे, यानी अभी इसमें करंट है, इसलिए इसको अभी छुएंगे नहीं, ठीक है, वो जाने के बाद ही इसमें काम करेंगे। तो कुछ इसका बेसिक बताता हूँ आपको, ये जैसे कि ये सर्विस वाले, ठीक है। और ये जो हमारा दिख रहा है, ये जो तीन कॉपर पाइप जो जुड़ रही है, इसी को फॉरवे वाल्व बोलते हैं, ठीक है। ये फॉरवे वाल्व का काम है हीटिंग से कूल में एक्सचेंज करना और कूल से हीट में एक्सचेंज करना, यानी हीटिंग कूलिंग दोनों मोड पे चलती है ये मशीन, ठीक है। और ये हमारी जो वायर जा रही है, ये दिख रही है आपको, ये ब्लू वाली, ये सब एक्सपेंशन वाले है, ये उधर लगा हुआ है, हर लाइन में लगी हुई होती है ये सक्शन और लिक्विड लाइन में, ठीक है। वहां पे दिख रहा होगा, वहाँ 1, 2 ये 3, 4 के करीब में लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए मैं एक एक जैक रिमूव करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ये है हमारा फैन के लिए है, जो ऊपर फैन लगा हुआ है, जो क्या बोलते हैं, जो कंडेंसर कॉइल ये हमारी होती है, इसकी हीट को बाहर निकालता है, उस फैन के लिए है ये जैक, ठीक है। तो इसको रिमूव करते हैं एक एक करके, ये रिमूव हो गया, इसको रिमूव करते हैं एक एक करके, सारे जैक को रिमूव कर लेंगे कार्ड से। चलिए एक एक को रिमूव कर रहे हैं, देखिए रिमूव कर दिया, इस बड़े वाले जैक को रिमूव करते हैं, ये देखिए, यानी सारे जैक को रिमूव करना है, दिखा रहा हूँ। ये सारी जैक रिमूव हो गई और इस कार्ड को हम रिमूव कर लेते हैं इसमें से, इसका सारा स्क्रू निकाल दिया मैंने, एक बचा हुआ है, देखिए कार्ड को रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, ये अपनी कार्ड रिमूव हो गई यहाँ से, और फिर इसी जगह पर रिप्लेस करेंगे दूसरी कार्ड को, जो नई वाली थी, ये वाली, ठीक है।
ठीक है। तो हमारी कार्ड रिप्लेस हो गई है, अब जैसे जैक था वैसे सब में लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए ये लग गई। कार्ड लगाने के बाद, जैक लगाने के बाद इसमें जो मेनू सेटिंग था उस सेटिंग को डालना पड़ेगा। उस सेटिंग को हमने लिख के रखा है यहाँ पे। ठीक है, एक पे क्या था, दो पे क्या था, तीन पे क्या था, चार पे क्या था। ठीक है, डाल देंगे, उसके बाद मशीन हमारी ऑटो कमीशनिंग मोड पे ऑन हो जाएगी। 2x12, 3x HP, ठीक है, 4x12, 5x कितना है, 5x002। छः पे 005 इंडोर, ऑफ नंबर ऑफ इंडोर। सात पे 001। डेट हो गया ना, आज कितने तारीख है, आज डेट है, आज डेट 7 है। हाँ, टाइम 11:43 हो रहा है। चार ही तक जा रहा है, तो इसमें कितना 001 ही है, 001 है। 8 पे होगा फिर, 8 पे हो गया तुम्हारा 25। आज कितने तारीख हो गया, आज आपका तारीख है 7, 7 तारीख है, 7 सितंबर, 7/9। ओके, महीना नौवा महीना है, 9 महीना है ना, 8 पे कितना 7 डाल दिए, 9 पे 9 हो गया सेट, 10 पे 2021 है ना, 10 पे 2021, 12, 11:45, 54, 53, 51, 45 हो रहा है, हाँ 45, 46 कर दीजिए, 46 सेट हो गया। ओके, एड्रेसिंग